दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में जो स्कूटी के साथ तो नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है और कुछ ऐसी फनी तरीके से राइडिंग करती है कि जिनके बारे में देखने के बाद आप अपना सर पीट लेंगे, क्योंकि ये लड़कियां नहीं, ये है पापा की परी। जी हाँ, पापा ने इन परियों को स्कूटी दी है खरीद कर चलाने के लिए। तो ये परियां उसे किस तरीके से चलाती है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास है कुछ ऐसी ही वीडियोस जिनमें इन पापा की परियों ने इस स्कूटी की तो माँ बहने कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, ये लड़की अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है लेकिन अपने स्कूटर को पार्क कहाँ कर रही है। जी हाँ, बीच रोड पर। अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनकी स्कूटर कहाँ पर पार्क हो रही है, बीच रोड पर या फिर एयरपोर्ट के रनवे पे। अब चाहे बस आए या फिर ट्रक, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रोड तो इनके बाप की है ना, पापा की परी। जी हाँ, ये है पापा की परी। और ये तो कुछ भी नहीं, ये लड़कियां इंडिकेटर किसी और साइड का देती है तो मूर्ति किसी और साइड है। लेकिन आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आप अक्सर देखते ही रहते होंगे। ये तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के पुलिस वालों को कई किलोमीटर तक घसीट सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये गलती भी नहीं मानेगी, जहां 5 शब्द खरी खोटी उनको सुनाकर ही जाएगी। ये है पापा की परी। अब इनको देखो, इसको स्कूटी सीखने की इतनी चुल मची है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये अकेले ही सीख लेगी। वाह वाह, क्या बात है। मगर सीखना ही था तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ ले लेती, लेकिन नहीं, इन्हें तो ऐसे ही सीखना है। भाई, मोड पे तो रॉन्ग साइड पर मुड़ने का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन ना मुड़कर सीधे जाने का क्या लॉजिक है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वाह वाह, क्या बात है, मतलब सीधा अंदर। भाई, गलत ड्राइविंग तो समझ में आता है, लेकिन इस तरीके की स्कूटी को उड़ाने का क्या मतलब है। वाओ, एक राउंड फटाक से। अब ये पापा की परी ही नहीं, पापा की जो पत्नियां हैं ना, वो भी अपनी स्कूटी को उड़ाने में कम नहीं है। अब इन्हें ही देख लीजिए, स्कूटी को पार्क कर रही है लेकिन अचानक से इनके मूड में आता है, नहीं, हम पार्क नहीं करेंगे, हम तो सीधा उड़ाकर दुकान के अंदर डाल देंगे अपनी स्कूटी। वाह वाह, इस तरीके की ड्राइविंग को देख के तो मुझे सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इन्हें स्कूटी दिलाता कौन है भाई, क्यों दिलाता है। अब इन आंटी को ही देख लीजिए, स्कूटी सीखने की इतनी चुल मची है कि स्कूटी लेके सीधा खंबे से टकरा गई। वाह वाह, क्या बात है। अब भाई, आप लोग भी इन आंटियों को देख के इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, ना ना, इन्हें देखिए क्या डांस हो रहा है स्कूटी पर। हालांकि कुछ लोग तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन इनके डांस को देखने के बाद जो पापा की परियां कॉपी करती है ना, वो तो देखने लायक है भाई। इन्हें देखिए, आंटी के डांस को कॉपी करती हुई डाइविंग करती हुई ये बालिकाएं। वाओ, क्या डाइविंग डांस है भाई, तालियां तालियां। अब भाई, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि पापा की परियों को स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत होती होगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो पार करने में भी दिक्कत होती है। अब इन्हें ही देख लीजिए, एक स्कूटी को पार करने में इतनी मशक्कत मैंने आज तक नहीं देखी। इन्हें अपनी स्कूटी को पार करने के लिए इतनी जगह चाहिए ना कि उसमें एक अनपढ़ ड्राइवर एक ट्रक को 4 बार गोल गोल घुमाएगा, लेकिन ये अपनी स्कूटी को पार्क नहीं कर पा रही भाई, क्या बात है। इतने में तो ये ऐसा लगता है कि ये स्कूटी नहीं, हवाई जहाज पार्क कर रही है। इतनी मशक्कत के बाद जब ये परिया अपनी स्कूटी लेके निकलती है ना, तो इनका यही हाल होता है जैसे इन मैडम का हुआ। वाओ, सीधा नाली में, क्या बात है। ऐसी डाइविंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। जैसे ये महिला एक अंकल को बार बार ठोकती है, एक बार ठोकी फिर ठोकी, लेकिन मन नहीं भरा तो बार बार ठोकी। इन पापा की परियों को तो पापा की हड्डियां तोड़ने में ही मजा आता है, क्या बात है। भाई, अब देखो यार, तुम लोगों को इन पापा की परियों की वीडियो देखने के बाद मजा आ रहा हो ना, तो इस वीडियो को लाइक मारो यार, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब जाते जाते इस महान पापा की परी को भी देख लीजिए जो दर्शन करने के लिए तैयार हो रही है, और वो भी सीधा स्कूटी लेके मंदिर में जाएगी।
नहीं पता आपको, देखिए कैसे जाती है। सीधा वहाँ से फ्लाई करेगी ना तो सीधा भगवान के पास ही लैंड करेगी। और इनकी स्कूटी स्टार्ट होती है और ये पहुँचती है सीधा मंदिर में। माथा टेकते हुए शिव जी भी प्रसन्न हुए, पापा की परी। तो इन पापा की परियों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करो। और हाँ, हमें किसी भी लड़की की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, तो इन पापा की परी को भूल जाओ और स्माइल करो, स्माइल करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।